2022 से चुनाव को लेकर हर सियासी दल अपने वोटर्स को रिझाने के लिए समूचे उत्तर प्रदेश में घूम घूम कर जनसभाएं करते नजर आ रहे हैं और इस 2022 के चुनाव में जिस तरह से छोटे छोटे दलों को हर बड़ी पार्टी अपने खेमे में करने की कवायद करते हुए 2022 चुनाव में जीत का दम भर रही है, तो वहीं सभी छोटे दलों के नेता भी पूरे उत्तर प्रदेश में जातिगत आधार पर अपना वोट बैंक जुटाने की पुरजोर कोशिश में जुटे हुए। और आज इसी कड़ी में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने यूपी के कानपुर देहात में अति दलित और पिछड़ा वर्ग अधिकार सम्मेलन कर अति दलित और ओबीसी वोट बैंक कर काबिज होने का संदेश दे दिया है। 2022 के विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा राजभर हुंकार भर रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं से हो रहा है, लेकिन बीजेपी इस बात को नहीं मान रही है। हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी हैं, इन्हीं से पूछ लेते हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव में क्या सपा के गठबंधन के बाद उनकी क्या राय है। आइए उन्हीं से पूछ लेते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी, राजभर जी ये बताइए, सपा से गठबंधन करने जा रहे हैं, क्या ओबीसी को आप यूं छोड़ देंगे? 27 अक्टूबर को आपके दिल में जो आग लगी है, आप आइए, आपको आमंत्रण दे रहे हैं, वहीं आइए, आपके दिल की आग बुझ जाएगी 27 अक्टूबर। अच्छा, शिवपाल को क्या सपा में शामिल करा रहे हैं? लखनऊ, सारे रास्ते लखनऊ जा रहे हैं, तो साहब 27 को हम खुलासा करेंगे। अच्छा, प्रियंका ने 40 लोगों को वोट टिकट देने के लिए कह दिया है, महिलाओं को, इससे कितना नुकसान होगा? कोई नुकसान नहीं है, हमारा लाभ है। अच्छा, कितनी सीटों पे यूपी में चुनाव लड़ रहे हैं? हमारा मोर्चा 403 सीटों में लड़ेगा। 403। अच्छा, ये बताइए कि जो यूपी में भाजपा कह रही है किसी के अलग होने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, और आप कह रहे हैं कि आपके अलग होने से इस बार उनको उखाड़ फेंकेंगे, तो क्या कहना है? जवान है त्वचा में, भाजपा ही के वोट दे, okay. कोई वोट देने वाला नहीं है इस धरती पर। अच्छा, सरकार तो कह रही है कि हमने किसानों की आय दुगनी कर दिया, आप कह रहे हैं लगातार किया, वो किया है। बुंदेलखंड में अन्ना पशु थे और अन्ना पशु पूरे प्रदेश में फैला दिया, और वो अन्ना पशु किसानों का धन दुगुना कर रहे हैं। अभी एनपीए का दाम 265 रुपया बढ़ा दिया, ये किसानों का धन दुगुना है। डीएपी 5 किलो कम कर दिया, रेट बढ़ा दिया, किसानों का धन दुगुना है। यही तो धन दुगुना हो रहा है किसानों का। अच्छा, गठबंधन आप करने जा रहे हैं सपा के साथ, तो क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके? एकदम मुद्दे हमारे टनाटन है, जातिवार जनगणना, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट, घरेलू बिजली का बिल माफ करना, गरीबों का इलाज फ्री में, हम प्रदेश में जातिवार जनगणना करा के ही मानेंगे, सबको हिस्सा एक समान, रोटी कपड़ा और मकान। अच्छा, ओवैसी को यूं ही छोड़ दिया आपके, जबकि आपके? अरे भैया, आपके दिल में जो जल रहा है ना, आप 27 अक्टूबर को आइए और वहीं आपको दिखाऊंगा। बिल्कुल साफ तौर पे ये ओम प्रकाश राजभर जी थे जिन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि अगर 27 तारीख को भी इस सारे जवाबों जो सवाल है उसके जवाब मिल जाएंगे, लेकिन साफ तौर पे उन्होंने कुछ भी अभी बोलने से मना कर दिया। लेकिन एक बात जरूर कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ उन्होंने इसलिए दिया था क्योंकि देश में महंगाई कम होगी, रोजगार बढ़ेगा, वो उन्होंने पूरी तरीके से नहीं किया, इसलिए उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ के अब अपने लिए सरकार में 2022 की जो सरकार चुनने की बात है वो अखिलेश के साथ तय कर ली है। कानपुर देहात से सूरज सिंह, इंडिया।